अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जहाँ कहीं से भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं खुश आबाद होंगे और अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करम बनाए रखे। तो अभी जी हम बाहर जाने लगे हैं, मेरे कज़न कहते हैं कि चलो चलते हैं और आपको हाइल सिटी की सैर करवाते हैं। तो जी अभी हम बाहर जाएंगे और देखते हैं यहाँ की खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस, क्योंकि ये सिटी भी बहुत खूबसूरत है। और ये देखें जी, शानजे भी अपनी साथ मस्तियाँ कर रही है। तो इंशाल्लाह शाम तक हम यहाँ से निकलेंगे। और शानजे क्या कर रही है? मुझसे नहीं बेटा जंप होता। कैसे जंप करोगी? ऊपर ऊपर नहीं चढ़ना तुम। ये तो वैसे बाबा ने खोला सामान रखने के लिए। तो जी अब हम यहाँ से निकलेंगे और साथ साथ पूरा सिटी हाइल घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ की सिटी की क्या खूबसूरती है और कौन कौन सी जो है फेमस जगह है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे कज़न कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे प्लेस है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और वहाँ से पूरे जो है ना सिटी का जो व्यू आता है पूरे सिटी का। तो पहले हम जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये साथ साथ जो रास्ते हैं मैंने कहा वो भी आपको दिखाती जाऊँ। तो वो बता रहे हैं कि वो सामने है वो वाली जगह। तो यकीन करें मुझे, इसको देख के तो वो मंगला डैम की याद आ गई है। तो जो आपको पता है दरिया झेलम है, तो उस तरह की मतलब ये लुक आ रही थी। तो ज़ाहरी बात है हम अपनी चीज़ों को अपने सिटी के साथ, सिटी कह रही हूँ अपनी कंट्री के जो सिटीज़ है उसके साथ हम रिलेट करते हैं। तो वेदर तो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वेदर था और ये साथ आई थिंक कोई पार्क बना हुआ है। अभी हम घूम के उस साइड पे चलते हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ झूले चलेंगे। ये भी एक किले का जो है ना शेप से बना हुआ है, आई थिंक सिंबल जैसे होते शायद यहाँ पे किला भी घूम रहा था। ये देखिए खूबसूरती के लिए बहुत प्यारा लग रहा था ये। अभी हम इंटर होने लगे हैं इसके अंदर। ये इसकी एंट्रेंस है और ये जो है साइडों पे उन्होंने बनाए हुए हैं पार्क वगैरह, जैसे होता है स्विमिंग पूल कर लिए झूले वगैरह। हाँ तो मैं ये बना रही हूँ। और ये वाला देखें, ये वैसे जो बाहर आपने तस्वीर देखी थी ना, ये उसी की शेप है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ का किला पता नहीं इसका नाम क्या है। हमारे मेरे जाने अपने पाकिस्तान के वो किला अरतास और कौन से जो हैं किले तारीखी, बहुत सारे जो है ना पार्क बने होते हैं वो पीर सहावा के नीचे स्पेशली। ये देख रहे हैं आप उसी तरह की लुक आ रही थी। और मैंने नोट किया माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जी हमने अभी ये जो ऊपर जाने का रास्ता है वहाँ से एंट्रेंस किया है और ये सीधा ऊपर हमें पहाड़ी तक लेके जाएगा। और ये कहते हैं, मेरे भाई बता रहे थे कि ऊपर जाके पहाड़ से तो ऐसा मंजर आता है, पूरा हाइल सिटी आपको नीचे नज़र आएगा, जैसे कि एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये चढ़ाइयाँ हैं, ये आप देख रहे हैं रस्तों को भी। तो बड़े मज़े के रास्ते भी थे, मुझे तो एकदम से पाकिस्तान की याद आना शुरू होगी। जैसे ना हम वहाँ पे भी मरी साइड भी चले जाएँ, आपको बताया नारायण कागान, तो ये इसी तरह के वहाँ पर भी रास्ते होते हैं। तो क्योंकि हमारा एरिया तो बिल्कुल मैदानी एरिया, आपने देखा है, देखिए कितना फ़र्क आ जाता है। आप 400-500 किलोमीटर के फासले पे आते हैं तो टोटली स्ट्रक्चर ज़मीन का टोटली चेंज हो जाता है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखें जी, हम हाइल सिटी का जो टॉप ऑफ द व्यू है वहाँ से आपको ये दिखा रहे हैं। सिटी तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं। इधर नीचे की रोडों से हम ऊपर आए। ये शानजे 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 शानजे, तो देखो
हाँ ये अपने जूतों को सीधा करने की चक्कर में पड़ी। लोग कहाँ देखूं? वाह शंजे अच्छी जगह। हेलो शंजे, हेलो शंजे, कैसी हो? मजा आ रहा है? ये एंजॉय लीना गाड़ी नहीं, लीना वो है, वो लीना खड़ी है। अलीना इधर देखो, अलीना को धूप लग रही है। हाँ जी अमजद, क्या बोल रहे थे आप? माशाल्लाह हाइल की लुकिंग है, वो गुड लुकिंग है, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी ये देखिए कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। पाकिस्तान की याद आ गई इस्लामाबाद की। और ये ऐसे वो मम्मी पीछे क्या आगे ऐसे वो ऐसे बाबा मैंने हाँ बाबा वीडियो बना रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम ना पीसवा हुआ आए हुए आज, लग नहीं रहा कि हम मतलब सऊदी अरेबिया के किसी सिटी में घूम रहे हैं। इतना खूबसूरत और इतना वेदर भी बहुत मज़े का है। ये देख रहे हैं हम,
मौसम बहुत ही यकीन करें आइडियल मौसम है आज माशाल्लाह। सही ठंडी ठंडी हवा जो है ना महसूस हो रही है। तो अभी जी हम नीचे उतर आए हैं पहाड़ी से, हम देख रहे हैं ये पार्क है लेकिन अभी बंद है पार्क, क्योंकि शाम के टाइम ना तकरीबन आई थिंक असर के बाद या मगरब के टाइम स्टार्ट होता है, लेकिन यह है कि हम अभी हाँ झूले झूले तो हम अभी निकलने की करेंगे क्योंकि मदीना जाना है, फिर लेट हो जाएंगे ज़्यादा। जी शांजे शान से कह रही है मेरे झूलों पे बैठना है बेटा, झूले अभी देखो उन्होंने क्लोज किए हुए, अभी ओपन नहीं हुए ना उनकी टाइमिंग उसकी, अभी चलते हैं आगे चल के चलते हाँ। ये देखो शान से तोता भी है, ये देखो तोता भी है इधर, ये देखो मुझे वाह। ये खरगोश बैठे हुए माशाल्लाह, ये तो मुझे लगता है कि कुत्ता ये तो पता नहीं क्या है, सारे लगता सो रहे हैं दिन का टाइम है। और ये देखें जी शेर देख रहे हैं, शेर भी सो रहा है, मुझे तो देख के डर लगना शुरू हो गया। ये देखें ये भी सो रहा है, बाहर से तो म्यूजिक लगाया हुआ है उन्होंने जगाड़ने क्या कहते हैं चिंगाड़ने का लेकिन अंदर आके सोते लगे हुए हैं जी, शेरों का सोते लगे हुए हैं। ये देखें आप गवाह हैं, एक शेर भी आपको जागता नहीं है। देखें जी ये इसको आवाज़ आई है अब अलीना की और मक्खियाँ इसको काट रही हैं ना। ये अलीना देखें चांदे खा, ये शेर खाना खा के ना सो गए। ये देखें ये भी ऐसे सो रहे हैं ना जैसे पता नहीं काम कर करके कितना ये थके हुए हैं। ये देखो सोते सोते हर पासे सोते लगे हुए देखिए कितना प्यारा व्यू है ऊपर का माशाल्लाह। ये देखें जी मैं तो हैरान हूँ, वो ऊपर आप पीछे वो आपको बब्बर शेर दिखाया था ना, और ये देखें ये एक और शेर है, ये भी सो गया है पता नहीं, ये लूंबड़ी है मेरे हाल से, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, असल में वो उधर खड़े हुए हैं और मैंने इधर से बिस्मिल्लाह कर दिया। ये पता नहीं कुत्ता है या क्या चीज़ है, कईयों के नाम तो मुझे खुद नहीं आते। ये देखें डर भी लग रहा है यार सच्ची। ये देखें जी ये बंदर है, बस एक यही जाग रहा है बाकी उस तरफ तो ये देखो शान से मंकी शान से यू लाइक मंकी क्या हुआ है? ये देखो शांसी ये कितना प्यारा जानवर है जी, ये कितने बड़े बड़े हैं ना, ये मैं पहली बार देख रही हूँ इतने बड़े बड़े। ओह माय गॉड, पीछे से देखे ऐसे लगता है झाड़ू है, देखे वो देखे जी वो देखे माशाल्लाह। हाँ जी ये देखें ये लगड़ बगड़ है,
बगड़ लगड़ बगड़ी है। और ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। वेलकम। ये क्या है शांजी? ये लाइन है शेर। वो देखें जी, इनको वो भाई उठा रहे हैं कि आंखें शांखें खोलें, सुबह हो गई है। ये देखें सब जानवरों को उन्होंने उठाया। मैंने कहा ये तो सारे जी सोते, उन्होंने सुन लिया। वो कहते नहीं जी, बाजी जी हम सबको जगाएंगे अभी, आप सबको इनका सैर जो है ना आपकी अच्छी सी आप सैर करें चिड़ियाघर की। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये इसकी एंट्रेंस थी। और ये जी है वाइट सा मोर अली ना, ये मोर है ना, अब पीछे से बैग से मुझे समझ नहीं आई ना ये क्या चीज़ है। हाँ ये वाइट मोर है जी, खाना खा रहा है ये। असल में इन्होंने डबल जंगले लगाए हुए हैं ना, तो इतना वो देखें डॉगी। ये भी एक प्यारा सा पपी है। गाने का जरूरत है अली ना, इधर देखो, यू एंजॉय। बच्चे आपको पता है हाँ स्मेल तो फिर बेटा होती है ना। ये देखें जी, ये कबूतर है माशाल्लाह। देख ये हिरन है, बहुत है। बड़ा चिड़ियाघर तो नहीं है, लेकिन हाथी वगैरह तो नहीं है, लेकिन छोटे जानवर जो हैं, ये भी हिरन है। देख रहे हैं आप, असल में शायद शाम ये तकरीबन अभी 3 का टाइम हो गया। ये देख रहे हैं, ये भी हिरन है। और ये जी शुतुरमुर्ग है, मैं इसीलिए तो हंस रही थी। ये देख रहे हैं आप, अब उसने उधर से उठाया, अब ये सो रहे हैं भाई। सही जो है ना, सुस्त जानवर हैं ये वाले तो। ये देखें, ये डक्स हैं, ये डक्स हैं, ये देखें बतखें, ये दो, ये दो वो हैं, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, देखती हूँ। ये देखें जी पड़ोस में जांग तांग किसने लगाई हुई है कि वो क्या कर रहे हैं, ये आप देख रहे। और ये देखें जी बास, ये भी सऊदीया का, आपको पता है अर्ब कंट्रीज़ में इनके बड़ी जो है ना कीमत भी होती है, और इनके मुकाबले भी होते हैं। ये देख रहे हैं आप, शानसे कह रही है अस्सलाम वालेकुम। शानसे मंकी को देख रहे हैं, शानसे मंकी अच्छे हैं? हाँ हाँ वो कहते हैं हम ठीक हैं। वो देखें जी मंकी भी सही धूप लगवा रहे हैं। हाँ वो कहते हैं हम ठीक हैं। ये देखो ये ड्राई है, वो क्या है? वो हिरनी है। ये देखो कितना, ये असली है यार, ये नकली है, नकली है। अच्छा देखें शानसे कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो अभी जी हम जरा उतरे हैं, हाँ तकरीबन 2 घंटे का फासला रह गया है मदीना का, 2-2.5 घंटे का। तो ये हमने कहा कि रास्ते में जरा रुके। ये देखें जी पहाड़ माशाल्लाह, आगे जाके तो आपको पता है सारे माशाल्लाह पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाए, थोड़ी टांगे वगैरह सीधी कर लें, बच्चे भी आपको थक जाते हैं। ये देखें शानसे अलीना,
और ये देखें जी पथरीली जमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर आए जरा। तो साथ साथ असल में चेक कर रही हूँ सिग्नल का इशू तो नहीं है, तो ये जरा आप अपने फोन में चेक करें सिग्नल जरा सही आ रहे हैं। देखिए मेरी लाइव शो हो रही है। ये जी शांजे लीना है और छोटी छोटी बूंदा बांदी हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी हमारी चाय इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। सर्दी शांजे को सर्दी लग रही है। पानी मुझे लग रहा है। ये देखा है पहाड़ काट के ना इन्होंने ये सेंटर से रास्ता बनाया। ये सामने नजर आ रहा है कि ये पहाड़ था पहले, ये इन्होंने पहाड़ी काट के ना ये सेंटर से रास्ता रेडी हुआ है। जैसे ये आप देख रहे हैं कटिंग हुई है। असल में गाड़ी स्पीड में होती है, बल्कि एकदम से मेरे हस्बैंड ने कैमरा ये देखिए कितना प्यारा। मेरा तो दिल करता है उतर के ना मैं यहाँ पे बस सामने जाके ना मेरे मुँह में आने लगा था खेलूँ जाके, जब वो वहाँ तो शादी लीना के साथ खेलूँ। मैंने कहा थोड़ा सा आपको फिर अंधेरा हो जाएगा तो बाहर का व्यू नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें जी ये सामने कचरे वाली गाड़ी है, ये पूरे सऊदीया में आपको नज़र आती है कचरा उठाती है गाड़ियाँ। तो ये आप देख रहे हैं आगे भी ये पहाड़ी आ रही है, तो मैं इसीलिए आपको ये दिखाना चाह रही थी। देखें थोड़ी सी ऊँची और थोड़ी साइड पे रखना है। ये पहाड़ काट के ना इन्होंने ये नई जो है ना रोड तैयार की है, ये देख रहे हैं सही लग रहा है सेंटर से ना पहाड़ की कटिंग हुई है और ये रास्ता बनाया गया है। और सूरज भी तकरीबन गुरूब हो चुका है, बस आसमान में थोड़ी थोड़ी रोशनी बाकी है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना पाक के बहुत करीब आ चुके हैं। तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर बोर्ड बता रहा है, आगे जब नेक्स्ट बोर्ड आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ से व्यू करवाऊँगी। तो तकरीबन 25 किलोमीटर फासला दिखा रहा है कि नेक्स्ट वो भी अभी आ गया बोर्ड इसके ऊपर, तो खैर किलोमीटर तो नहीं दिखा। ये छोटे छोटे जो है ना लिंक एरिया में जो गांव है
उनके नाम लिखे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, थकावट तो है, लेकिन यह कि हम एक्साइटेड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी के शहर पहुंचने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो रौनक है वो तो आप सबको पता ही है। माशाल्लाह, ये ऊपर देख रहे हैं ये बोर्ड पे लगा हुआ है मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा, और एयरपोर्ट जो है बिल्कुल सीधा है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल करीब पहुंच गए। बच्चे मेरे सो रहे हैं और मैं और बस मेरे हस्बैंड ही जाग रहे हैं। सारी बात है, हम जागेंगे तो हमारा सफ़र फिनिश होगा। हायल से वैसे इतना ज़्यादा दूर तो नहीं फील होता, लेकिन यह है कि जब रात का टाइम होता है आपको पता है फिर नींद वगैरह आना ज़्यादा शुरू हो जाती है, लेकिन अच्छा भी लगता है रात का सफ़र, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी मेरे धूप में ज़्यादा बंदा तंग पड़ता है धूप में सफ़र करने से। अपने मिजाज की बात है, हमें तो जब भी हम सफ़र करते हैं ज़्यादातर रात ही होती है। क्यों जी, आप भी कंफर्टेबल फील करते हैं? हाँ यही बात है, मजबूरी करते हैं सफ़र, सुबह के टाइम भी करते हैं, दिन को भी करते हैं, लेकिन शाम का टाइम जो होता है वो अलग। तो जी ये साथ साथ बहुत प्यारे पहाड़ हैं मदीना मुनव्वरा का इलाका, तो क्योंकि आपको पता है 25 किलोमीटर तो लाजमी आप समझ सकते हैं शुरू हो गया है, लेकिन वही बात है कि अंधेरा होने की वजह से अभी ये नज़र नहीं आ रही है। देख रहे हैं आप, थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी 22 किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, 22 किलोमीटर मदीना मुनव्वरा। इंशाल्लाह तकरीबन जब रोशनी नज़र आएगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह, तो आसमान पे वो थोड़ी थोड़ी ना उस साइड पे आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आ रही है। माशाल्लाह मदीना सिटी आपको पता है बहुत बड़ा, और ये देखें जी छोटा सा कस्बा आप कह सकते हैं, गाँव कह सकते हैं, ये लाइट्स उसकी है। वो देखें जी आपको जहाज़ नज़र आ रहा होगा, ऊपर लाइट है छोटी सी लाइट, वो जी मदीना सिटी में समझ ले मदीना एयरपोर्ट पे उतरेगा जहाज़, तो वो दूर दूर आपको नज़र आ रही होगी लाइटिंग। इंशाल्लाह जो जो हम पास जाते जाएंगे खुशी का समा दिल का क्या कहते हैं खुशियाँ रौनक बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देखें जी वो दूर दूर तक आपको मदीना सिटी नज़र आ रहा होगा, वो काफ़ी दूर। ये तो जो है ना ये रास्ते में एक छोटा सा गाँव आता है मदीने के मोहल्ले स्टार्ट है। अच्छा मेरे हस्बैंड कहते हैं यहीं से मदीना भी स्टार्ट है माशाल्लाह। वो आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ भी है पीछे, और ये देख रहे हैं वो देखें जी माशाल्लाह बड़े दूर दूर तक लाइटिंग नज़र आ रही है, और वो जी चांद प्यारा सा देखिए माशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम पहुँच जाएंगे, ये आपको देख रहे हैं लाइटिंग।